ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 31 अक्टूबर 2018 बुधवार के दिन का है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी जिसे अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, साथ ही संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है और इसकी कथा श्रवण की जाती है। यदि आप अहोई अष्टमी के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक दूसरा वीडियो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, उसको आप अवश्य ही देखिएगा। साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। बुधवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है। दीपावली के लिए जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी नई खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं तो कार्तिक मास में जो पुष्य नक्षत्र आता है वो सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्यापारी लोग नई गाड़ी की स्थापना करेंगे, साथ ही बही खातों का निर्माण एवं उनका पूजन भी किया जाता है। तो दीपावली की समस्त तैयारियों का दिन होता है। दीपावली महापर्व की जो शुरुआत होती है उसके लिए जो जो भी सामग्री लगती है उनकी खरीदारी भी पुष्य नक्षत्र में की जाती है। दिशाशूल जो कि उत्तर दिशा में रहेगा इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना इस दिन नुकसानदायक माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धना खाकर की यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगा, यानी 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव तुला राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कर्क सिंह तुला धनु और कुंभ ये 7 लकी राशियां रहने वाली है। इनको चमत्कारिक फायदा हो सकता है। इनके लिए दिन सबसे ज्यादा अति उत्तम रहेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशियों का विस्तार पूर्वक राशिफल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों पर बातचीत होगी। दोस्त प्रेमी या जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। आज जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पैसों से जुड़े टारगेट पूरे करने के लिए अच्छा समय है। आप लंबे समय के लिए निवेश भी कर सकते हैं या उसकी योजना भी आप बना सकते हैं। आप मन लगा करके कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति में अच्छा सुधार हो सकता है। दूसरों की जरूरतें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। शाम को भाइयों और पड़ोसियों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। विवादों में आपको सफलता प्राप्त होगी और दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। उपाय के रूप में यदि आप गुड़ और चना भगवान हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। खुद पर भरोसा रखें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी सामूहिक गतिविधि में आप आगे रहेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कोई अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है। परिवार से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अन्य लोगों के साथ आत्मविश्वास से आप पेश आएंगे। दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे और कई ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। मदद के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। किसी प्रकार की देरी या कंफ्यूजन की स्थिति में थोड़ा धैर्य आप जरूर रखें। उपाय के रूप में यदि किसी भी मंदिर में आप बेसन की मिठाई चढ़ा करके प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ व्यवहारिक मामलों से निपटने में आप सफल हो सकते हैं। रचनात्मक कोशिशों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपनी भावनाएं किसी भी ढंग से जाहिर करने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। पुरानी समस्याएं आपकी निपट जाएगी। आपके लिए समय ठीक रहेगा। आने वाले 1-2 दिनों में यात्रा हो सकती है। कैरियर या परिवार के मामले में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पैसों के मामलों में सिर्फ वही कहे जो आपके मन में हो या आपका दिल कहता हो। सेहत पहले से आपकी ठीक रहेगी और थोड़ा आपको सावधान रहना है क्योंकि टेंशन आपकी बढ़ सकती है। और उपाय के रूप में यदि कोई भी फल खा करके आप निकलेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। पैसों के लिहाज से समय अच्छा है। अचानक धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श भी हो सकता है। दिन अच्छा रहेगा, आपको मदद भी मिलेगी और काम आपके सभी समय पर पूरे हो जाएंगे। समय भी आराम से व्यतीत होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी या संतान से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन हालांकि सामान्य रहेगा, लेकिन रुका हुआ पैसा उनको मिल सकता है या कोई अचानक धन लाभ भी उनको हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग का फल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपका अधिकार बढ़ सकता है। दोस्तों और भाइयों की मदद से धन लाभ आपको हो सकता है। किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। ऑफिस में बॉस का काम भी आपको करना पड़ेगा। आपके लिए लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आप सही रास्ते पर ईमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपको सफलता भी मिलेगी। जो भी नए मौके मिलेंगे उनका फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहें। आमतौर पर लोग आपकी बात को सुनेंगे और मानेंगे भी। समय बिताने का कोई नया तरीका भी आपके दिमाग में आएगा। धन लाभ होगा। पुराना रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। सेहत पर ध्यान दे। कोई नया काम करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह अवश्य ले ले। और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में लाल कुमकुम लगा करके 5 लौंग बहा देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। जरूरी काम आपके सभी निपट जाएंगे। सोचे हुए बहुत से काम आपके समय पर पूरे होंगे। परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल आप बिठा सकेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती है। कैरियर से जुड़ी नई प्लानिंग हो सकती है। लोग आपका साथ देंगे। पैसों के मामलों में कुछ फैसले पर मन मार करके राजी होना पड़ सकता है। आगे चलकर वही आपके पक्ष में होगा। आप एक्टिव रहेंगे। समाज में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम भी आपका संपन्न हो सकता है। बिजनेस में फायदा होगा। कोई नई चीज खरीदने का आप मन बना सकते हैं। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आप सही दिशा में सही फैसले लेने में सफलता को प्राप्त करेंगे। उपाय के रूप में यदि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान कर सकते हैं तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अपने निजी लक्ष्यों पर ध्यान दे और पुराने दोस्तों से मिले। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपकी इमेज अच्छी बन सकती है। नए पुराने और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने का योग बन रहा है जो आने वाले दिनों में आपके लिए कारगर साबित होगी। थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाने की बात मन में आ सकती है और यह ठीक भी रहेगा। संबंधों के लिए किसी एक मामले पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी, दोस्ती भी हो सकती है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। आत्मविश्वास बना करके रखे। धन लाभ भी होगा। आपके जरूरी काम जो हमेशा एक ही ढंग से होते आए हैं उनमें कुछ नया होने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिस काम से आपको उम्मीदें थी उसका नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। आज की गई कोशिशों का नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। कोई संवेदनशील जानकारी भी आज आपको मिलने वाली है। आमतौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ समस्याओं का समाधान अचानक आपको मिलने वाला है। आपकी स्थिति के अनुरूप जो है समाधान आपको प्राप्त होगा। आज आप उन मामलों पर ध्यान दे जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती हो। बिजनेस में फायदा हो सकता है। संतान पर पूरा ध्यान दे। सेहत के मामलों में दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। नौकरी में उन्नति हो सकती है और वेतन वृद्धि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय के रूप में यदि आप कोई भी मिठाई खा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सिर्फ एकाग्रता के दम पर आज आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लगातार यही ध्यान रखें आपका लक्ष्य क्या है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। लक्ष्य से बिल्कुल भी न भटके। इधर उधर के कामों पर ध्यान न दे। ऑफिस में कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। बातचीत, यात्रा और शिक्षा के मामले आपके लिए खास रहेंगे। किसी करीबी व्यक्ति के साथ संबंधों में सुधार हो जाएगा। भविष्य को लेकर के जो आशंका है उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। कोई भी शंका कुशंका अपने मन में उत्पन्न न होने दे। कोई समाधान भी आज आपको मिल सकता है। दोस्तों और परिवार के लोगों से सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हरे रंग की सब्जी यदि आप गाय को खिला देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की।
आपको भविष्य के लिए आज कुछ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। ऑफिस में अतिरिक्त आमदनी के स्रोत आपके बढ़ने वाले हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। रचनात्मक कार्यों में नए विचारों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। किसी अनजाने व्यक्ति से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। घर के मंदिर में यदि शुद्ध घी का दीपक आप अपने हाथ से लगाएंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको जो भी अवसर मिले उनका पूरा पूरा लाभ आप उठाने का प्रयास करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। सफलता के लिए आप भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम आज आप बन सकता है। जो भी काम करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। कोई नई वस्तु आप खरीदने के लिए विचार करेंगे। कोई वाहन भी खरीद सकते हैं या फिर नया घर खरीदने का आपका मन बन सकता है। साथ ही संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कोई बड़ा काम आपका पूरा होने वाला है। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को यदि पीले रंग की मिठाई आप चढ़ा देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कार्यक्षेत्र में अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। पैसों के मामले सुलझने के कई योग आपके बनने वाले हैं। उधार पैसों के लेन देन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बात बिगड़ सकती है, पार्टनर उसे संभाल लेगा। आपके कामकाज थोड़े से रुक सकते हैं, लेकिन पुराने जो काम आपने किए हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई यदि आप माता महालक्ष्मी को चढ़ा करके भक्तों को प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।